हाय एवरीवन, द विपिन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जान लिया था, तो आइए WPA एक्ट 1972 की स्टेचरी बॉडी को देखते हैं। WPA का मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आज हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं स्टैचुअरी बॉडी। क्या पढ़ेंगे? स्टैचुअरी बॉडी। देखो, पहले ही जान लेते हैं कि हमने जाना था ये क्या है, WPA क्या है। एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या इसकी स्टैचुअरी बॉडी हो सकती है? हमने जाना था लास्ट क्लास में कि स्टैचुअरी बॉडी वो होती है जो या तो एक एक्ट से बनी हो, जो संविधान मतलब पार्लियामेंट के लेवल का हो, या स्टेट लेजिस्लेशन का लेवल का हो। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो हो सकती है इसकी, क्योंकि स्टैचुअरी बॉडी का यही रूल होता है, उसका सोर्स क्या होता है, कोई एक्ट होता है। तो इसकी क्या है, इसकी चार स्टैचुअरी बॉडी है। पहली है नेशनल बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसका शॉर्ट एक है NBWL। एक तो ये स्टेचरी बॉडी होगी WPA की। दूसरा है सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसका शॉर्ट ट्रिक है CZA। तीसरा है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका शॉर्ट ट्रिक है WCCB। फोर्थ पॉइंट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथॉरिटी, इसकी शॉर्ट ट्रिक है NTCA। तो WPA की चार स्टैचुअरी बॉडी है, NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, दूसरा है सेंट्रल जू अथॉरिटी, तीसरा है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, और चौथा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी डेट इज NTCA। तो ये जो स्टैचुअरी बॉडी है ये कहाँ से पावर प्राप्त कर रही है? इस एक्ट से, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, इस एक्ट से ये पावर प्राप्त करती है और काम करती है। स्टैचुअरी बॉडी का बेस ही एक लॉ होता है, या तो पार्लियामेंट का होगा या क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेशन का। तो हमने लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर पा रहे कर गए थे मतलब लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि स्टैचुअरी बॉडी होती क्या है। तो अब इन्हें एक एक करके देख लेते हैं कि NBWL होता क्या है। तो हम पहले बॉडी देखते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ डेट इज NBWL। देखो, इसकी जो स्थापना हुई, जो WPA एक्ट है, जो WPA एक्ट जो है 1972 के सेक्शन 5A के अधीन इसकी स्थापना हुई। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो स्थापना हुई, जो WPA एक्ट 1972 है उसका सेक्शन 5A के अंतर्गत हुई। इसका मेन मोटिव ये था
कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जाए और किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट किया जाए, और जो जाति मतलब लुप्त होने वाली है या स्पेसीज कुछ ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से कैसे उन प्रजाति को बाहर से लाकर मतलब उस प्रजाति को बचाना है, और साथ ही साथ उनकी जो लाइफ स्टाइल है मतलब जीवन जीने की जो क्षमता है उसको किस प्रकार से बढ़ाना है। तो ये सब चीज़ें थी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में। और ये यदि हम देखें इसका जो नेचर है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब इसका नेचर किस प्रकार का है, ये एडवाइज करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है जो रिपोर्ट सबमिट करती है। बेसिकली यदि हम मोटा मोटी रूप से देखे जाए तो इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो कह सकते हो कि एडवाइस नेचर की है। बट यदि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को देखे तो इसको चेयर कौन करते हैं, पीएम। तो पीएम यदि एडवाइस कर रहे हैं तो इट मतलब वो समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरी चीज़ है कि इसको चेयरमैन कौन होता है, इसका पीएम भारत के प्रधानमंत्री। तो अपने आप में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और दूसरा जो इसका डिप्टी चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं वो होता है अपना मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, और डिप्टी चेयरमैन है जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अर्थात कौन, प्रकाश जावड़ेकर जी। इसके अंतर्गत इन्हें मिलाकर बोथ पर्सन आर इंक्लूडिंग, तो कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, टोटल 47 होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसके इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, इंडिया के अंतर्गत जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है जो भी डिसीजन है उसको रिव्यू करने की अपेक्स बॉडी है अर्थात ये बोर्ड अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इंडिया के अंतर्गत जितने भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं अर्थात किसी प्रकार का, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज क्या बनाना है, उसकी लिमिट बाउंड्री कैसे बढ़ानी है, यदि एक प्रोटेक्टेड एरियाज में कोई प्रोजेक्ट लाना है तो अप्रूवल कौन देगा, उसको रिव्यू कौन करने की पावर कौन रखता है, जितने भी रिलेटेड डिसीजन है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड उसको रिव्यू करने की, पुनर्विलोकन करने की क्षमता किसके पास है, NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और फिफ्थ पॉइंट है इसका एक और कि एक प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंतर्गत यदि अंदर कोई प्रोजेक्ट लगाना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लगाना है किसी गवर्नमेंट को, जैसे कोई नेशनल पार्क है उसमें कुछ मिल जाता है और उसमें यदि किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट लगाना है विद इन प्रोटेक्टेड एरियाज, और साथ ही साथ उसकी जो सराउंडिंग का 10 किलोमीटर का एरिया है, साथ ही साथ जो उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है उसमें यदि कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो अप्रूव कौन देगा, डेट इज NBWA, मतलब किसी भी प्रकार का अप्रूवल पावर किसके पास है, NBWL। किस प्रकार का अप्रूवल, कोई भी प्रोजेक्ट यदि प्रोटेक्टेड एरियाज में लगाना है, कोई भी प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज में स्टार्ट कराना है तो उसका अप्रूवल कौन देगा, अप्रूवल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देगा। अब इसका एक और पॉइंट है, आगे देखते हैं, ये देख लिया,
यदि प्रोटेक्टेड एरियाज है, मतलब कोई भी या तो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यदि इसकी बाउंड्री बढ़ानी है, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज की सीमा में कोई भी बदलाव लाना है तो उसकी परमिशन आपका ये देगा, NBWL। अर्थात कोई भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यदि उसका एरिया कम करना है, ज़्यादा करना है या किसी भी प्रकार का बदलाव करना है तो उसकी परमिशन कौन देगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि ये चीज़ करनी है, उसके रीज़न बताएगी, तो उसको अप्रूव और परमिशन कौन देगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखो, इन्होंने एक प्लान बनाया था नेशनल लेवल पे, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। बेसिकली ये 15 साल का प्लान था, और जो सबसे पहला जो प्लान आया था नेशनल लेवल पे वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का, वो आया था 1986 से 2001 के बीच, और जो सेकंड था 2002 से 2016, और जो थर्ड था ऑनगोइंग है 2017 से 2031। तो ये 15 साल का एक प्लान बनाया गया कि किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट करना है, उनका प्रोटेक्शन करना है, और उनका कंजर्वेशन के क्या तरीके डेवलप किए जाएंगे। एक दूरदर्शी का एक रूप था, मैनेजमेंट था, ये इसलिए बनाया गया था कि वाइल्ड लाइफ को बेहतरीन सुविधा दे सके, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, कंजर्वेशन के जो भी एफर्ट है वो उस लेवल पे किया जा सके जिस पे उनका प्रोटेक्शन अधिक से अधिक हो सके। तो ये था, और एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था IDWH, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब जो वाइल्ड लाइफ जहाँ पर निवास करती है उनका स्थान। इस प्रोग्राम के तहत जो IDWH, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसके अंतर्गत देखा गया कि ये स्कीम लॉन्च की गई, और ये NBWL के अंतर्गत काम करेगी। ये बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, उनके अच्छे जीवन के लिए काम करेगी, और दूसरी चीज़ है ये उन स्पीशीज को देखेगी जो ख़त्म होने वाली है, या बाहर से प्रजाति कुछ स्पीशीज को लाया जाएगा कि अपनी उस प्रजाति को बचाया जा सके, उसको रिस्टोर किया जा सके। और इस प्रोग्राम के तहत मतलब IDWH के तहत हमारे देश में 4 प्रजातियां जोड़ी गई, 4 स्पीशीज को लाया गया IDWH इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। मतलब ये क्या करेगा, ये प्लान उनके हैबिटेट को भी बचाएगा वाइल्ड लाइफ के, और इसके तहत चार स्पीशीज को लाया गया नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, पहली स्पीशीज है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, दूसरी है अरेबियन सी हम्प बक वेल, तीसरी है क्लाउडेड लियोपार्ड क्लाउडेड लियो PARD लियोपार्ड, और चौथी है आपका रेड पांडा NBW। IDWH के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट को बचाना है, उनका प्रोटेक्शन करना है, साथ ही साथ कुछ स्पीशीज को लाना है, ऐड करना कुछ स्पीशीज भारत की वाइल्ड लाइफ में, ताकि नई प्रजाति हो और साथ ही साथ उनके एक्सटिंक्ट होने का खतरा भी ख़त्म हो जाए। तो इस प्रोग्राम के तहत क्या 4 स्पीशीज को जोड़ा गया, पहला था
नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, दूसरा है अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल, तीसरा है क्लाउडी लियोपर्ड और चौथा है रेड पांडा। और ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। हम इसको डील कर पा रहे होंगे प्रोजेक्ट टाइगर में, प्रोजेक्ट टाइगर में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर दो प्रकार की स्कीम होती है गवर्नमेंट की। एक तो होती है सेंट्रली सेक्टर, सेंट्रली सेक्टर, एक होती है CSS, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्कीम। इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट 100% एक्सपेंडिचर लगाती है, पूरा 100% पूरा पैसा गवर्नमेंट लगाती है। और इसके अंतर्गत स्टेट भी लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है, मतलब जैसे 50-50 का हो गया। कुछ एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ही लगाती है, जो एक वन टाइम होते हैं, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं जो टाइम टाइम पे होगा, तो 50-50 का रेशियो हो जाता है। तो वो हम अलग से कभी पढ़ा पा रहे होंगे, बट यहाँ मोस्ट मोटा मोटी यहाँ देख लेते हैं कि IDWH एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। अंतर्गत इसके तहत क्या होगा कि कुछ ना कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा लगा पा रही होगी। और प्रोजेक्ट टाइगर भी, जब हम प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ रहे होंगे, तो वो भी क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो यहाँ हमने मोटा मोटी जान लिया है कि NBWL क्या होता है, नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ क्या होता है। अब सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं।